हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में हम लाए हैं सत्तू के लड्डू। सत्तू के लड्डू खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक बनते हैं। गर्मी के मौसम में इनकी तासीर बहुत ही ठंडी होती है और इनको बनाना बहुत ही आसान है। बिगेनर भी इनको आराम से बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए चने। ये भुने हुए चने हैं और ये रखे रखे इनमें सीलन आ गई है बारिश की मौसम की वजह से। तो इनको हम थोड़ा सा ड्राई करेंगे, माइक्रोवेव में रख देंगे 2-3 मिनट के लिए। और ये देखिए 3 मिनट में ही हमारे चने अच्छे से ड्राई हो जाएंगे। उसके बाद हम इनको हल्का सा ठंडा करेंगे और इसके छिलके हैं उनको हम अलग कर लेंगे। ये देखिए चने हमारे खूब अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। अब इनको हम हल्का सा ठंडा करेंगे और इसको बड़े से बर्तन में हम निकाल लेंगे ताकि इनको आसानी से हम हाथ से इस टाइप से मसल मसल के इनके छिलके को अलग कर सकें। और इस टाइप से पूरे छिलके को हम मसलते हुए निकाल देंगे। ये देखिए आराम से इसका छिलका उतर जाता है। इसी टाइप से हम पूरे चने के छिलके को उतार लेंगे। ये देखिए हमने सारे चने साफ़ कर लिए हैं, एक भी छिलका इसमें नहीं दिख रहा है, एकदम से ड्राई हो चुके हैं। और अभी हमें चाहिए एक मिक्सी का जार और इसमें हम चनों को डाल लेंगे और इसका पाउडर बना लेंगे। ये देखिए चने का पाउडर तैयार है, एकदम फर्स्ट क्लास। और इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। ये होममेड सत्तू हमारा तैयार है। ये देखिए इसका कलर, इसका टेक्सचर। और अभी हमें चाहिए 1/2 कटोरी चीनी। इसको मिक्सिंग जार में डाल लेंगे और इसका पाउडर बना लेंगे। ये चीनी का पाउडर हमारा तैयार है। ये देखिए ऐसा बारीक हमें पीसना है। इसको कटोरी में हम निकाल लेंगे और अभी हमें चाहिए मिक्सिंग बाउल। इसमें हम 1/2 कटोरी घी डालेंगे। अभी इसको अच्छे से मिक्स करते हुए हम इसमें डालेंगे चीनी पाउडर जो हमने पीस के रखा हुआ था, और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और अभी हमें इसे बीट करते हुए एकदम लाइट और फ्लफी बनाना है। इस टाइप से हमें इसको बीट करते जाएंगे जब तक कि लाइट और फ्लफी नहीं हो जाता। इससे हमारे लड्डुओं का टेक्सचर है वो एकदम लाइट और फ्लफी बनेगा। और अभी हम इसमें डालेंगे सत्तू का आटा जो हमने पीस के रखा हुआ था। 1/2 चम्मच इसमें डालेंगे इलायची पाउडर फ्लेवर के लिए और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे चम्मच की मदद से। इसको हमें एकदम डो जैसा बनाना है। चम्मच को हम साफ करके साइड में रख देंगे और हाथ से मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अभी हम इसमें डालेंगे अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट और इसका हम डो तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और चैनल पे अगर आप लोग नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ये डो हमारा तैयार है। अब इसको शेप देने के लिए हम चम्मच लेंगे ताकि हमारे लड्डू है एक बराबर शेप के बने। इस टाइप से इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट लगाते हुए हम गोल आकार के लड्डू बना लेंगे। ये देखिए एकदम गोल गोल लड्डू हमारा तैयार है। इसी टाइप से चलिए एक और बना के दिखा देते हैं। ये इसी टाइप से हम सारे लड्डू बना लेंगे। ये देखिए सारे लड्डू हमने बना लिए हैं। ये देखिए इनका कलर, इनका टेक्सचर, क्या लाजवाब लड्डू बने हैं। तो चलिए अभी इनको हम डेकोरेट कर लेते हैं। इन लड्डुओं की खास बात ये है
इनको हम 4 से 5 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं और खाने में इतने स्वादिष्ट और लाजवाब और पौष्टिक बनते हैं जिसका कोई जवाब नहीं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है तो अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर ज़रूर करें। ये लड्डू अंदर से इतने फोसरे बनते हैं, जिनके दांत नहीं है वो भी इनको आराम से खा सकते हैं। तो दोस्तों, कैसे लगी वीडियो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक बार फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।